मध्य प्रदेश के राज्यपाल आज सिवनी जिले के छपारा विकास खंड के लुड़की गांव पहुंचे, जहां पर इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर बच्चों से मुलाकात कर शासन की योजनाओं की जानकारी जो है जनपद पंचायत के सीईओ से ली गई। और वहीं जनता से पीएम आवास सहित विभिन्न योजनाओं का किस तरह से लाभ मिल पा रहा है उसकी चर्चा भी की गई। और साथ ही राज्यपाल ने वहां पर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जनपद में जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। और इसके बाद वह ग्राम खटकर पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्किल सेल एनीमिया हेल्थ कैंप का निरीक्षण किया। मंडला सांसद फगन सिंह, सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन और जबलपुर कमिश्नर और वहीं छिंदवाड़ा आईजी, सिवनी एसपी, कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। सिकल सेल को हमको मिटाना है, मगर कैसे मिटाएंगे? तो पहली बात है, जब भी मां घर में हुए, बच्चा पेट में है, तभी जांच करवा लो, उससे मालूम पड़ जाएगा, वही दिन से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, आने वाला बच्चे को कोई न कोई राहत मिलेगी। प्रसूति के बाद 72 घंटे में भी बच्चे की जांच हो जाए तो भी बच्चे को अपने अच्छी तरह जी सकाते हैं, वो अच्छी तरह जिएगा तो वो जांच गर्भावस्था में और प्रसूति के बाद 72 घंटे में। अभी बच्चा हो गया दुखी होकर आगे आगे चलता है, मगर अभी जांच की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी योजना डाली है।